सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अब हम रिवाइज कर लेंगे। वैसे तो हमने सभी दौरान कर लिया है, फिर भी आज हम थोड़ा सा वाक्य बनाओ। वाक्य बनाना भी आपको बता रखा है, कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है। कोई भी शब्द दे दिया जाता है, जैसे आपको शब्द दिया है तितली, तो तितली रंग बिरंगी होती है, तितली फूलों पर बैठती है, तितली हमें बहुत सुंदर लगती है। तो आप कोई भी तितली शब्द को लेकर कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब है जैसे पेंसिल दे दी आपको, तो पेंसिल, पेंसिल कई रंगों की होती है, पेंसिल पर कई तरह के चित्र बने होते हैं, पेंसिल से लिखना आसान होता है, मुझे पेंसिल बहुत पसंद है। तो पेंसिल पे भी है ना, पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो कोई भी आप पेंसिल पर चित्र सॉरी सेंटेंस या वाक्य बना सकते हैं। फिर आएंगे हम लोग, पेंसिल ले लिया हमने, कमरा ले लिया, तो मेरा कमरा साफ सुथरा रहता है, मेरा कमरा सुंदर है, मेरे कमरे में सुंदर पर्दे लगे हैं, मेरे कमरे में सुंदर ड्राइंग सजी है। तो कोई भी आप अपना कमरे में, कमरे पर भी बना सकते हैं। फिर आता है जैसे मैंने दे दिया शब्द खिड़की, तो खिड़की पर, मेरी खिड़की पर रोज एक चिड़िया आकर बैठती है, खिड़की खोलने से शुद्ध हवा आती है, मेरी खिड़की से धूप आती है, मुझे खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है। जो भी आप कमरा, जो भी आप वाक्य बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वाक्य बनाओ, वाक्य तो बना ही लेंगे। अब हम आते हैं जो हमारे प्रश्न उत्तर, जो एक मैसेज आया था मेरे पास कि हमने 5-12 के प्रश्न उत्तर जो है वो नहीं किए हैं, तो वो कर लेते हैं हम सुंदर कमरा के 5-11 के, सॉरी, तो वो मैं आज आपको लिखा रहती हूँ। 5-11 प्रश्न उत्तर, सबसे पहला है, रानी क्यों गुमसुम बैठी थी? क्यों गुमसुम बैठी थी रानी, बताइए क्यों गुमसुम होता लिखेंगे हम लोग। रानी अपने गंदे कमरे को देखकर गुमसुम बैठे। रानी ने अपने कमरे को सुंदर कैसे बनाया? रानी ने अपने कमरे को सुंदर कैसे बनाया? कैसे बनाया? माँ की मदद से सभी सामान रानी ने क्या किया, खिलौनों को कहां फेंक, कहां सजा दिया, अलमारी में, और मां ने लाल पीले रंग की चादर बिछा दी, खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। रानी ने खिलौने अपने खिलौनों और किताबों को अलमारी में सजा दिया। पर
पलंग पर लाल पीली चादर बिछा दी। रंग की चादर बिछा दी। वह पर्दे खोल दिए। खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। इस तरीके से माँ ने अपने सॉरी रानी ने अपने कमरे को सुंदर बनाया। फिर आता है पाठ से आगे मूल्यपरक प्रश्न। हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए हमें? हमें अपने साफ कमरे को साफ सुथरा इसलिए रखना चाहिए कि साफ सुथरा रखने से कमरा सुंदर लगता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो मूल्यपरक प्रश्न याद रखें। कमरा साफ सुथरा रखने से कमरा सुंदर लगता है। मूल्यपरक जो प्रश्न है ना, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए, ये इसका उत्तर। हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? तो हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना क्यों चाहिए, तो ये मैंने लिखा दिया आपको। अब बाकी सब लोग आप कर ही लेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं। वाक्य बनाओ, कोई भी शब्द अगर आपको दिया जाता है उसको सेंटेंस बनाइए, सिंपल सा सेंटेंस बनाइए। बस उस शब्द का प्रयोग उस वाक्य में हो जाना चाहिए। जैसे पेंसिल है, मुझे पेंसिल से लिखना अच्छा लगता है, पेंसिल से लिखना बहुत आसान होता है, पेंसिल कई रंगों की होती है, पेंसिल पर कई तरह के चित्र बने होते हैं, चित्रकार अपनी ड्राइंग पेंसिल से तैयार करते हैं, है ना। तो इस टाइप के कोई भी वाक्य अपनी पसंद से बना सकता और बनाना आना भी चाहिए। जैसे खिलौना दे दिया, तो मुझे खिलौने से खेलना पसंद है, मेरे पास कई खिलौने हैं, मेरे पास अनेक खिलौने हैं, ये भी बना सकते हैं। मुझे खिलौनों से खेलना पसंद है, मेरे पास कई रंगों के खिलौने हैं। आप चाहे जैसा खिलौना पे वाक्य बना सकते हैं। कमरा, मेरा कमरा सुंदर है, मैंने अभी बताया था आपको। वसंत ऋतु में जैसे फूल है, तो फूल कई रंगों के होते हैं, फूलों पर तितली बैठती है, फूलों पर बहुरा गाना गाते हैं, फूलों फूल हमें खुशबू देते हैं, मुझे फूल अच्छे लगते हैं, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये इन तीन पार्ट है, वसंत ऋतु और जो हमारा सुंदर कमरा, और ये पार्ट है हमारा पेंसिल की कहानी। इसका संदेश भी आप याद कर लीजिएगा। कविता वसंत ऋतु हमें क्या संदेश देती है? वसंत ऋतु खुशियाँ लेकर आती है। पेंसिल की कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? पेंसिल बड़े काम की चीज़ है, ये भी एक सेंटेंस हो सकता है, वाक्य हो सकता है। फिर आता है सुंदर कमरा, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए, कमरा आ जाए तो ये भी एक वाक्य है। तो इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, इनके जो संदेश है वो भी याद कर लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं व्याकरण पे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ाई दिए थे मैंने आपको कि जो दूध बेचता है उसको क्या कहेंगे? दूध वाला। जो सर्कस में हंसाने का काम करता है वो कौन होता है? जोकर।
जो डॉक्टर की मदद करती है वो कौन होती है? नर्स। जो क्रिकेट खेलता है वो कौन होता है? क्रिकेटर। और जो मरीज का इलाज करता है वो कौन होता है? डॉक्टर। जो स्कूल में पढ़ाता है, अध्यापक या अध्यापिका। जो जादू दिखाता है, जादूगर। जो सब्जी बेचता है, सब्जी वाला। जो गाना गाता है वो गायक। ठीक है, फिर विलोम शब्द नहीं आ रहे हैं आपके। फिर हम आ जाते हैं क्रिया पर। क्रिया की परिभाषा याद कर लीजिए। फिर चित्र दे दिया है, जैसे मैं ऐसे पढ़ रही हूँ किताब, तो आपको क्रिया शब्द लिखना है। रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो रोहन और चित्र देखकर आपको उसका क्रिया शब्द लिखना है। ये भी आप कर ही लेंगे। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। एक तो काम का अपने आप होना होता है, एक आप जो हम करते हैं, जैसे जो प्रकृति कर देती है, जैसे सूरज का उगना है, तारों का चमकना, नदी का बहना, ये प्रकृति द्वारा किए गए काम है। इसमें हमारा हम कुछ नहीं करते, स्वतः ही होते हैं, अपने आप होते हैं। और कुछ काम जैसे चलना, हंसना, पढ़ना, गाना, ये सब हम लोग करते हैं। तो दो टाइप की हमने क्रिया पढ़ी थी। विशेषण चित्र देखकर आपको विशेषण शब्द लिखना है। जो सेब है तो लाल सेब, रसीला सेब, मीठा सेब, आसमान है तो नीला आसमान। ठीक है, और इसका विशेषण का परिभाषा भी, जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण कहलाते हैं। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए अपना पूरा लेसन्स और अच्छे एग्जाम लिखिए, नीट हैंड राइटिंग में लिखिए। अपनी कॉपी और पेंसिल और प्रिपेयर करके रेडी रहिएगा मंडे से। फोर जो जितनी भी कॉपीज फोर हैं, फोर सब्जेक्ट्स, उनकी बना के उन पर नेम, अपना अपना स्कूल का नेम जो जैसे पहले हमने लिखा था पूरा लिख के, और अपना सब्जेक्ट, डेट, क्लास प्रॉपरली, अपना सबसे पहले अपना नेम प्रॉपरली लिखिएगा। कुछ बच्चे जब भेजते हैं तो नेम ही प्रॉपरली नहीं होता है, वो थोड़ा अजीब लगता है, और हमें पता भी नहीं चलता है किसकी कॉपी है। तो पीडीएफ बना के आपको आंसर शीट हमको भेज दीजिए।